तो रिसेंटली मैंने निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट पे एक वीडियो बनाई थी जो कि जल्दी ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। लेकिन उससे पहले निसान मोटर्स ने रिसेंटली अपनी एक न्यू एडिशन निसान मैग्नाइट कोरो एडिशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब इस एडिशन में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्या इस एडिशन में कुछ फीचर्स इंक्लूड एड ऑन किए गए हैं एंड क्या निसान मैग्नाइट का फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में नहीं आएगा, वेल इसके पीछे निसान मोटर्स की एक बड़ी मोनोपोली है कि क्यों उन्होंने निसान मैग्नाइट के फेसलिफ्ट से पहले इस एडिशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ निसान मैग्नाइट कोरो एडिशन की सारी डिटेल्स भी इसी वीडियो में दूंगा। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार जुड़ रहे हो, वीडियो पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि निसान मोटर्स की मोनोपोली भी आपको इसी वीडियो में समझ आने वाली है। एंड जो निसान मैग्नाइट कोरो एडिशन का बेस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, स्पेशली ये वीडियो मैंने उनके लिए ही बनाई है। तो रिसेंटली 28 सितंबर को निसान मोटर्स ने अपना कोरो एडिशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया था। पहले अगर हम इस कार के प्राइसिंग के बारे में बात करें कि कोरो एडिशन की प्राइसिंग इंडियन मार्केट में क्या रखी गई है, तो 8.37 लाख में आपको इसका बेस वेरिएंट इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, वो भी ऑन रोड प्राइस में। इन कार्स की बता रहा हूँ, इन वेरिएंट्स की बता रहा हूँ। वहीं अगर हम सेकंड टॉप वेरिएंट के बारे में बात करें जो कि 9.65 लाख में आपको देखने को मिलेगा एंड ये कार आपको टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम निसान मैग्नाइट कोरो एडिशन के टॉप मॉडल के बारे में बात करें जो कि 10.46 लाख में आपको देखने को मिलेगा एंड ये टर्बो सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो मैंने बात की ट्रांसमिशन एंड इसके वेरिएंट के प्राइसेस के बारे में, लेकिन अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें कि निसान मैग्नाइट कोरो एडिशन में क्या कुछ स्पेशल फीचर्स, क्या कुछ एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं, तो ये कार कोरो एडिशन, जैसे कि कोरो एडिशन एक ब्लैक, कोरो एडिशन का मतलब ब्लैक होता है, तो ये कार फुल ब्लैक रहने वाली है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाला है। तो एक्सटीरियर में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं निसान मैग्नाइट कोरो एडिशन में, चलिए बात करते हैं। पहले ही आपको एक न्यू ब्लैक ग्रिल देखने को मिलेगी, न्यू स्किड प्लेट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको रिसेंटली पिछले वाली मैग्नाइट में नहीं देखने को मिलते थे, और रूफ रेल इसका डिज़ाइन आपको थोड़ा शार्प देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, वो भी ब्लैक कलर में रहने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ आपको न्यू हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे जिनमें आपको सेंटर एंड कॉर्नर में रेड एंड ब्लैक का फिनिश देखने को मिलेगा, लेकिन मेजर जगहों पे आपको ब्लैक का फिनिश ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इस कार के इंटीरियर के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया इस कार का नाम कोरो एडिशन रखा गया है, ब्लैक एडिशन रखा गया है, तो इंटीरियर भी फुल ब्लैक होने वाला है, ऑल ब्लैक होने वाला है, जिसमें आपको एक न्यू डिस्टिंक्टिव इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ग्लॉस ब्लैक का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, मतलब ब्लैक कलर का डैशबोर्ड रहने वाला है, उसमें से आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर थोड़ा रेड एंड ब्लैक देखने को मिलेगा, जो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील आपको इंटीरियर में भी देने वाला है। एंड उसके साथ साथ आपको इस कार में 360 डिग्री कैमरा भी एड ऑन किया गया है, जो कि आपको पिछली वाली मैग्नाइट में नहीं देखने को मिलता था, खाली स्पेशल कोरो एडिशन में आपको ये देखने को मिलेगा। एंड इस कार का नाम कोरो एडिशन भी क्यों रखा गया है आगे बताता हूँ। एंड उसी के साथ साथ आपको सेंट्रल कंसोल का सिस्टम भी देखने को मिलेगा, वो भी आपको रेड एंड ब्लैक में देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ आपको रियर एसी वेंट्स, आर्म रेस्ट एंड उसी के साथ साथ कोरो थीमड फ्लोर मैट्स भी देखने को मिलेंगे, वायरलेस चार्जर एंड उसी के साथ साथ वाइडर रियर व्यू मिरर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब अब मैग्नाइट कम बजट में काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने वाली है। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि निसान मैग्नाइट की मोनोपोली क्यों है इस वेरिएंट को लॉन्च करने से पहले, क्योंकि वो 2-3 महीने में अपने एक न्यू फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन उस फेसलिफ्ट से पहले उन्होंने इस वेरिएंट को लॉन्च क्यों किया आगे बताता हूं। तो पहले अगर हम इसके सेफ्टी के बारे में बात करें, कोरो एडिशन की सेफ्टी के बारे में बात करें, तो भाई सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज निसान मोटर्स ने नहीं किया है। इस कार को 4 स्टार की रेटिंग देखने को मिलती है एंड ये कार वन ऑफ द सेफेस्ट कार रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ आपको इस कार में 4 एयरबैग्स, ESP, TCS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट, हिल होल्ड, TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कमाल के सेफ्टी फीचर्स आपको निसान मैग्नाइट कोरो एडिशन में देखने को मिलेंगे। तो पहले अगर हम बात करें कि निसान मैग्नाइट इंडियन रोड्स पे क्या धमाल मचाने वाली है, तो भाई ये कार अब इंडियन रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल बवाल मचाने वाली है, क्योंकि इस कार में आपको वो सभी फीचर्स, वो प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको 15 से 20 लाख की कार में देखने को मिलते हैं। मतलब एक 10 लाख की कार आपको वो फीचर्स प्रोवाइड करती है
है वो बजट प्रोवाइड करती है, जो कि आपको 20 से 25 लाख की कार में भाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स इस कार में देखने को मिलते हैं। बस वो ADAS क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर हम निसान मोटर्स की मोनोपोली के बारे में बात करें, तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आज से 3 से 4 महीने हार्डेस्ट इस कार का फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो उससे पहले उन्होंने कुरू एडिशन को इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि उन्हें भी पता है जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, इसका फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, जिस पर रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। तो इससे निसान मैग्नाइट के जो पुराने यूनिट्स हैं वो बिकने नहीं वाले हैं, इसलिए वो उन्हें कलर चेंज करके एंड कुछ एक्सटर्नल फीचर्स दे रहे हैं। एक्सटर्नल में आपको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगी, मतलब डिज़ाइन में कोई चेंज इंटीरियर एक्सटीरियर में नहीं होने वाला है, बस आपको थीम अलग देखने को मिलेगा, आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, आपको एडिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे। मैं यहां पर फिर से बोल रहा हूं, चेंज कोई आपको इस कार में नहीं देखने को मिलेगी एंड एक्सटीरियर इंटीरियर सेम रहने वाला है, बस एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि जो पुराने यूनिट्स है वो भी बिक पाए और जब फेसलिफ्ट आए तो नए यूनिट्स भी बिकना स्टार्ट हो जाए। तो अगर हम ओवरऑल इस कार के बारे में बात करें तो यह कार काफ़ी ज़्यादा लाजवाब, काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा बवार रहने वाली है। तो अगर आप निसान मैग्नाइट की और इन्फॉर्मेशन आने वाली है, अगर आपको उसका फेसलिफ्ट भी लेना है, तो आप कमेंट करके जरूर से बताना। कुरू एडिशन के रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो को अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।